नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां राजधानी में दिन दहाड़े 7.5 लाख की लूट की वारदात अंजाम दी गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर से 7.5 लाख रुपए लूटे गए हैं। चाकू की नोक पर लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। दो मोटरसाइकिल पर 5 लोग सवार थे। एनएचएआई प्रोजेक्ट में काम करता है मैनेजर गोबरा नावा पारा। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, जांच में जुटी हुई। ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां दिन दहाड़े 7.5 लाख रुपए की बड़ी लूट अंजाम दी गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर को निशाना बनाया गया है बदमाशों के जरिए। बताया जा रहा है कि चाकू की नोक पर 7.5 लाख रुपए लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। दो मोटरसाइकिल पर 5 बदमाश सवार थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर एनएचएआई में काम करता है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। युगल, दिन दहाड़े वारदात, क्या पुलिस को जानकारी मिली इस वारदात से जुड़ी हुई? देखिए प्रशांत, ये 2021 में एनएचआई में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में पदस्थ था और सुभाष अग्रवाल से 7,30,000 रूपये लेकर के निकला हुआ था और ये अभनपुर गया हुआ था। एनएचआई 13 पर ये जो काम है उसका प्रभारी इसको दिया गया था। हजदा के पास अचानक दो सफेद कलर की जो गाड़ी है उस पर 5 जो बदमाश है वो आए, पहले पीछा किए, उसके बाद सामने गाड़ी टिका करके और चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल गोबरा नवापारा जो पुलिस है, आसपास के जो क्षेत्र हैं उसके सीसीटीवी हैं वो खंगाल रहे हैं और ये जो लूट की वारदात हुई है उसकी तहकीकात पर लगे हुए हैं। आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं उसे खंगाला जा रहा है और ये राशि भुगतान करने को लेकर के ले गए थे और सुभाष अग्रवाल जो है उसकी यह पूरी रकम थी और अब पूरे मामले की जांच है, पुलिस फिलहाल कर रही है। अभी किसी तरह का जो लुटेरे हैं उनके सुराग का पता नहीं चल पाया है, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।